नमस्कार, मैं नेहा खान, स्वागत करती हूँ आपका जी एन भारत में। और इस वक्त मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष। आप देख सकते हैं कि कोटे गांव से सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हैं। वहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे कलाम अंसारी मौजूद है, जिनका दोनों पैर जो है काट दिए गए हैं, पर इनका सीधा तौर पे आरोप जो है अहमद रजा पे जाता है। वहीं हम इसी हवाले से जानेंगे कलाम अंसारी जी की क्या कुछ घटना जो थी इनके साथ घटी थी। और इतने और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है, इनके घर की महिलाएं जो है, यहाँ पे सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी न्याय की जो है गुहार लगाती हुई नजर आ रही है, मांग करती हुई नजर आ रही है। तो हम यहाँ पे कलाम अंसारी से भी जानेंगे और बातें करेंगे कि क्या कुछ कारण था और क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे, ऐसी क्या कुछ खास बात है कि सारा गाँव जो है मुंतजिर रजक के पक्ष में ही है। पक्ष में क्या है जो है ना, अपराधी छवि का आदमी है ना, और पक्ष में इसलिए है थोड़ा पैसा वाला है, जमीन माफिया, भू माफिया है, उससे थोड़ा डरता है आदमी ना। ऐसा नहीं कि इसके साथ ऐसा हुआ और क्या 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 है, उस तो सारा गांव जान रहा है उसके बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े कि सामाजिक काम कुछ करें, आगे बढ़े, तो मेरे साथ भी वही दुर्घटना हुआ। अभी तक कुछ न्याय नहीं हुआ आपके? अभी तक कुछ न्याय नहीं हुआ, न्याय कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी उनके पर सारा आरोप जाता है। कुछ एविडेंस आपके पास, कुछ ऐसा सबूत होगा जो उनके पक्ष में होगा, कुछ ऐसा मारने वाला, काटने वाला जो है ना, ऐसे कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ भी? सर कहाँ है, रिकॉर्ड है उसका जी, है ना। और क्या बोलते हैं, काटने वाला जो खुद जो है ना, काट के हमको फेंकने के समय खुद उसका नाम बताया कि, तो सोचा कि 10 मिनट का मेहमान है, लो बेटा नाम सुन लो। जब पहला नंबर उसका दिए थे, उस टाइम तक नहीं जानते थे कि इस मेरा अपना आदमी, अपना भाई लगा हुआ है मेरे पीछे। नंबर उसका दिए, नंबर देने के बाद बोलता है अपराधी कि बहुत चतुरी भैया का नंबर दे रहा है। एक पैर काटने के बाद बोलता है बेटा मुंतजिर भैया से दुश्मनी करोगे तो यही अंजाम होगा। यानी कि धमकी देने के बाद आपके साथ ऐसा काटा गया, काटने, एक पैर काटने के बाद नाम को खुद क्या बताया। क्या लगता है आपके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ है? पर नहीं, सिर्फ सरासर उनका कहना है कि आरोप लगा। कहाँ से थाना जो है ना उसके फेवर में है जी। बोलता है कि थाना से लेके जहाँ तक जाओगे डीजीपी तक अभी तक मेरा पहुँच है, तुम कहाँ कहाँ दौड़ोगे। आज नतीजा है कि 80 पेज का मुंतजिर के फेवर में थाना लिख के दे दिया, केस आई वो खाली साइन किया है, ड्राफ्टिंग वो किए हैं, यही सब मामला है। और बड़ा बाबू कुछ सुनते नहीं है। बचपन से आपका भी बचपन पूरे कोटे गांव में गुजरा है और हाँ, महिलाएं भी हाँ, अभी यहां हाँ, तक आई हुई है, फिर भी प्रशासन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, एक्शन नहीं लिया है। एक्शन लेता तो हम लोग अभी एसएसपी जो है ना, एसएसपी के पास गए, डीजीपी के पास गए और आलम मंत्री के पास गए, तब थोड़ा सा ये काम हुआ और एक आदमी को गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद भी उससे नहीं पूछा जाता है तीन आदमी का नाम, डायरेक्ट चलान कर दिया जाता है। वो गिरफ्तार होता है और मुंतजिर का आदमी वहाँ जाता है थाना मिलने के लिए, उससे था वो नहीं है तो फिर क्यों गया था वहाँ मिलने के लिए? रिश्तेदार नहीं ना था जो मिलने के लिए गया। इतना बड़ा मुजरिम को पकड़ा, तुरंत से चलान कर दिया। एक एक मोबाइल चोरी होता है तो प्रशासन ही कर देता है। कितना आदमी हो और इतना बड़ा कांड होने के बाद भी चलान किया जा रहा है, क्यों? वही चीज बोल रहे हैं, क्यों नहीं पूछा गया उसको? और तीन आदमी के बारे प्रशासन थाना वाला क्यों नहीं पूछा उस बात को और डायरेक्ट चलान कर दिया? और यही मांग है कि लेके बैठे हैं कि ताकेश्वर को रिमांड में लिया जाए और तीन अपराध है उसको पूछा जाए और मुंतजिर अहमद रजा को गिरफ्तार किया जाए। कहे कि वारंट साथ में है, हुआ है तो एक का गिरफ्तारी होता है, दूसरा का क्यों नहीं होता है? खुलेआम घूम रहा है, ये अपना
मोहम्मद कलाम अंसारी ने देखा कि हमने कलाम अंसारी से बात की और उनसे जाना। हालांकि देखना ये होगा कि न्यायालय किसके पक्ष में न्याय करता है। हालांकि अभी तक किसी के पास एविडेंस नहीं है और बिना सबूत होने के कारण जो है अभी तक इनको भी नहीं मिल पाया है, इनको भी न्याय नहीं मिल पाया। तो देखना ये होगा कि न्यायालय कब तक न्याय करता है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि कलाम अंसारी के सारे फैमिली यहाँ पे मौजूद है और न्याय की लगातार गुहार कर रहे हैं। खोटे गांव की यहाँ पे सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है और काफी ज्यादा दर्द झलकता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि न्यायालय जो है कब तक न्याय इनके हितों पे करती है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा खान। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।